कवर कर देंगे हम, पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है इसमें। इसके बाद जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी थोड़े सारे मसाले स्पाइसेस में, ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी पालक रेडी हो रही है, शानदार इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ ये भूनने पर आ गई है, अब इसको वहाँ भूनेंगी। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। और कोफ्ते फ्राई करके इसमें हम ऐड करेंगे। वेलकम व्यूअर्स, आपको अरुषा और महा का सलाम। आज हम ज़बरदस्त सी डिश लेकर आए हैं, खिली खिली सी पालक आपको नज़र आ रही होगी, पालक और मेथी। आज हम ज़बरदस्त सी डिश बनाएंगे, पालक मेथी बनाएंगे, ज़बरदस्त सी मसाले वाली चटपटी, और साथ हम इसमें चिकन की कोफ्ते ऐड करेंगे। ज़बरदस्त से कोफ्ते बनाएंगी महा। चिकन महा बता दें, आधा किलो है ये, ये इसमें नज़र नहीं आ रही, दिखाइए। ये आधा किलो चिकन का कीमा है, और वो मेथी जो है मैंने 1.5 पौली, और पालक जो है वो 1.5 किलो है। ये हम ज़बरदस्त सी अभी चिकन पालक बनाएंगे, ज़बरदस्त, इसको पालक पनीर भी बोल सकते हैं, चिकन की कोफ्ते वाली पालक भी बोल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब सब कुछ इसमें ऐड करके आपको बना के दिखाते हैं, शानदार सा रखा है मैंने पालक के लिए। 2 चमचे मैंने ऑयल के डाले बड़े वाले, अब ये मैं सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, और अदरक लहसुन डालेंगी। इन्होंने 2 गोल स्पून डाले हैं ये ऑयल के, और इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हैं। पालक इन्होंने वॉश कर ली, पालक और मेथी। टमाटर डालेंगे, बहुत टेस्टी ये बनता है पालक मेथी और साथ कोफ्ते, इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन प्रेस करें, ताकि बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके पास जल्दी और उड़ती हुई आए। अब महा इसके अंदर ऐड कर रही हैं टमाटर डालूंगी मैं, मिल रहा है वैसे लिए टमाटर ऐड कर रही हैं इसके अंदर। टमाटर का पहले पेस्ट बनाएंगे, फिर उसके अंदर हम पालक डालेंगे। बहुत टेस्टी बनती है, सर्दियों के दिन हैं तो सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हमने अपने चैनल पे पालक पनीर पहले भी हमने अपने चैनल पे बनाई हुई है, वहाँ वो भी वॉच कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनाई है महा ने। ये अब कोफ्ता पालक बना रहे हैं, ये महा ने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब ये जैसे ही मैश हो जाएंगे इसके अंदर फिर हम पालक ऐड करेंगे। टमाटर कितने लिए महा बता दें? ये मैंने छोटे थे तो मैंने ये 4 या 5 लिए। और टमाटर हमारे मेल्ट हो रहे हैं, वो हमें आपको दिखा दिया, और ये महा ने पालक वॉश कर लिए। कितनी ज़बरदस्त हमारी पालक लग रही है, हरी हरी वॉश हुई पालक और मेथी दोनों महा ने वॉश कर ली हैं। अब महा इसके अंदर कोफ्ते बना रही हैं, जिसमें ग्रीन मसाला ऐड करेंगी, चिकन का ये कीमा है। अब इसमें महा ग्रीन मसाला ऐड करेंगी और सारे स्पाइसेस ऐड करेंगी, हम आपको दिखाते हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये अनियन और हरा धनिया है। अब इसमें लाल मिर्चें भी ऐड करेंगी, लाल मिर्चें थोड़ा सा तिक्के का जो मसाला होता है ना उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, वो भी डालेंगे, और ज़रा सी हल्दी। ये हल्दी ऐड कर दी, ये मैंने हल्दी डाली, ये सॉल्ट डालूंगी। अब ये सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इसका कभी बेशी लग रही है इसमें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसावा गरम मसाला, मिक्स मिल जाता है मार्केट में। इसके बाद हम डालेंगे रेड चिली। टिक्के के मसाले से और गरम मसाले से कोफ्ते बहुत टेस्टी, हाँ टेस्ट होता है इससे, कबाब या ऐसी चीज़ बनाए बहुत टेस्टी बनती है इससे। फिर शान के जो टिक्का मसाला होता है वो ले लीजिए आप, या कोई भी टिक्का मसाला ले लें, हर कंपनी का अच्छा होता है, अपना अपना टेस्ट होता है, बहुत टेस्टी कोफ्ते बनते हैं इससे। हमने कोफ्तों का सारा चैनल पर बनाया हुआ, मैं उसका लिंक भी सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा, वो भी बहुत टेस्टी बनाया है टिक्के के ही मसाले से। अब ये महा इसकी बॉल रेडी करेंगी मिक्स करके, फिर इसको हम फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, फिर फ्राई करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे टमाटर मेल्ट हो रहे हैं, ज़बरदस्त धुआँ उठ रहा है गर्मा गर्म। ये देखिए हमारे पालक के कोफ्ते रेडी हो गए महा, पालक के नहीं चिकन के, हाँ नहीं पालक के लिए ना, पालक के लिए हमारे चिकन के कोफ्ते रेडी हो गए, अब हम इसको फ्राई करेंगे।
हाँ इसको मैश कर रही हूँ। मैश करके क्या डालेंगी? अब पालक डाल देंगे, हो जाएगी। इसको मैश कर रही हूँ, फिर लास्ट में मिर्चें वगैरह सब डालेंगे। दिखाना ये टमाटर मैश करने के बाद हमने इसके अंदर पालक ऐड कर दिया। अब इसको ढक देंगे, इसको कवर कर देंगे हम। पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है इसमें। इसके बाद जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़े सारे मसाले स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी पालक रेडी हो रही है, शानदार। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ ये भूनने पर आ गई, अब इसको वहाँ भुनेंगी। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। और कोफ्ते फ्राई करके इस पर हम ऐड करेंगे, फिर हम आपको सर्व करके दिखाएंगे ज़बरदस्त सा। अब सारे स्पाइसेस वहाँ इसमें ऐड करेंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रही है। हाँ, अभी पानी है इसका, पानी है इसका, खुद ही निकला ना, देखो कितना सारा निकल। ज़रा इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं। और फिर हम इसको एक शानदार सी चीज़ के अंदर सर्व करेंगे। चिकन के कोफ्ते रेडी हो गए हैं, थोड़े से रहते हैं, जब ये और थोड़े फ्राई होंगे फिर हम इसको पालक में शिफ्ट करेंगे। पालक को में अभी स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी सर्दियों की डिश होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी से। ये देखिए हमने पालक, ये देखिए हमने पालक ग्राइंड कर लिए। ये माँ ने पालक को ग्राइंड कर लिया, कितनी ज़बरदस्त कलर हो गया ग्रीन। इसमें लहसुन लिया दो, वो जो उसके कलियाँ होती हैं वो, और ये हरी मिर्चें हैं तीन चार। ये दही के साथ उन्होंने लहसुन और हरी मिर्च ग्राइंड कर ली, और ज़रा सा गार्लिक है ये लिया मैंने, दही गार्लिक और हरी मिर्च। हरी मिर्च अब मैं इसमें डालूँगी, रेड चिली इन्होंने ग्राइंड करके पालक में डाल दिया। बहुत ज़बरदस्त हमारी पालक रेडी हो रही है, बहुत मज़े की बनती है। या बनाएं और इन्जॉय करें। ये गरम मसाला डलेगा इसमें, और दही में थोड़ा सा इन्होंने पनीर भी ग्राइंड कर लिया था। हाँ थोड़ा थोड़ा जो नरम वाला पनीर होता है ना, वो हमने इसमें लेके ग्राइंड कर लिया। दही, पनीर, हरी मिर्च और गार्लिक। अब ये हो जाएगा तो हमने फ्राई की जो कोफ्ते हैं वो डाल देंगे इसके अंदर। दही, पनीर, गार्लिक और हरी मिर्च हमने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दी। कोफ्ते कब ऐड करेंगे इसमें? अभी भून लेंगे तो कोफ्ते छोड़ देंगे। कलर देख कितना ज़बरदस्त हो रहा है इसको भूनेंगे, जैसे ही भून जाएगा फिर इसमें हम जो हमने फ्राई कोफ्ते ऐड किए करेंगे इसके अंदर। भूनने के बाद इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करते थे हमारे घे में। अब बात हमसे नहीं हो रही क्योंकि रेडी होने वाला। कलर कितना ज़बरदस्त हो रहा है ग्रीन इसका ना। हाँ ग्रीन ग्रीन। अब क्या ऐड करेंगे और? बस अब इसको भूनूंगी मैं, भून के फिर कोफ्ते छोड़ दूंगी। अभी भूनेंगे फिर इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। कितनी ज़बरदस्त पालक की खुशबू आ रही है, मेथी पालक की मैं बता नहीं सकती। इसको अच्छी तरह हमने भून लिया, अब इस पर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सी इसमें रेडिश कलर हो गया है इस पालक का। अब इसके अंदर हम जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। शानदार सा हमारा चिकन कोफ्ता पालक पनीर बन के रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे फिर इसको सर्व करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। शानदार सा हमारा कोफ्ता पालक पनीर बन के रेडी हो गया, ज़बरदस्त रेडी हो गया। ये सर्व करते हैं इसको। ज़बरदस्त ये हमारा चिकन का कोफ्ता पालक पनीर बन के रेडी हो गया। ये हमने पनीर का टुकड़ा इस पर रख दिया है देखिए, और उसको हमने मट्टी की कोंडे में निकाला है। ज़बरदस्त बात भी नहीं हो रही है, माँ भी देख रही है। तंदूरी की रोटी, खुश्का, चपाती सबके साथ इसको ट्राई करें, बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।